हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी चीन से निकले कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया जूझ ही रही थी कि चीन से दो नए जानलेवा वायरस के उद्गम की पुष्टि हो गई है। ये वायरस भी कोरोना के जैसे ही खतरनाक हैं, जो एक नई महामारी का कारण बन सकते हैं। ये हैं ब्यूबोनिक प्लेग और G4। ब्यूबोनिक प्लेग एक नया वायरस है जिसे मानव में प्लेग महामारी फैलने का खतरा बन जाता है। उत्तरी चीन में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आते ही स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। चेतावनी जारी करते हुए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा, इस समय शहर में मानव प्लेग महामारी फैलने का खतरा बन गया है। जनता को आत्मरक्षा के लिए जागरूकता और क्षमता बढ़ानी चाहिए और असमान स्थितियों के बारे में तत्काल जानकारियां देनी चाहिए। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने पश्चिम मंगोलिया के खोत प्रांत में ब्यूबोनिक प्लेग के दो मामलों की पुष्टि की है। आपको बता दें कि यह प्लेग जंगली चूहों और गिलहरियों द्वारा इंसान में फैलता है। ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षणों में मरीज को तेज बुखार आता है, सिर में असहनीय दर्द होता है और तेज ठंड लगती है। इन्फेक्शन के कारण शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन भी आ जाती है, नाड़ी तेज चलने लगती है, 2-3 दिन में शरीर के अंदर गिल्टियां निकल आती है। आपको बता दें कि इस जानलेवा बीमारी में पहले भी लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में इसका 3 बार हमला हुआ है। पहले हमले में 5 करोड़ लोगों की जान चली गई, दूसरी बार यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार 80,000 लोगों की जान चली गई। इसी बीमारी को ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहते हैं। इसके अलावा गिल्टी वाला प्लेग भी इसे कहा जाता है। जंगली चूहों के मरने के बाद इस प्लेग का बैक्टीरिया पिस्सुओं के जरिए मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। चूहों के मरने के 2 से 3 सप्ताह बाद इंसान में ये प्लेग फैलता है। जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि ये चमगादड़ों से इंसान में फैला है। दूसरा जानलेवा फ्लू वायरस का एक प्रकार है जिसे वैज्ञानिकों ने G4 का नाम दिया है। ये जानलेवा वायरस स्वरों द्वारा फैलता है। ये वायरस 2009 में महामारी का कारण बने H1N1 वायरस में जेनेटिक बदलाव से बना है। G4 वायरस स्वरों में 2016 से ही प्रमुखता से पनप रहा था और चीन इस वायरस के बारे में और जानने के लिए 2011 से 2018 तक स्वरों पर अध्ययन कर रहा था, जिसमें पाया गया कि G4 वायरस मानव कोशिकाओं में रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बंध जाता है और श्वसन तंत्र की बाहरी परत में खुद की प्रतिकृतियां तैयार कर सकता है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में कहा गया है कि इस वायरस में एक संभावित वैश्विक महामारी बनने के सभी लक्षण मौजूद हैं। तेज बुखार, छींक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, जोर जोर से सांस लेना जैसे लक्षण ही इस वायरस के हैं। 2009 में आई महामारी H1N1 या स्वाइन फ्लू से भी ये ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों को डर है कि यदि सुअर से ये वायरस इंसानों में फैल गया तो कोरोना जैसी महामारी के संकट से एक बार फिर से दुनिया को जूझना होगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।